शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में विश्वनाथ, कालीचरण, दोस्त और क्रांति जैसी फिल्मों में काम किया। वे इंडस्ट्री में टॉप एक्टर में शुमार हो गए थे। उनके कई डायलॉग कालजयी साबित हुए। फिल्म मेरे अपने में छेनू के किरदार से अमर हो गए शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में विश्वनाथ, कालीचरण, दोस्त और क्रांति जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अलग तरह की फिल्मों का चुनाव शुरू कर दिया। शत्रुघ्न के करीबी रहे निर्देशक और दोस्त बताते हैं कि वो सोलो फिल्म ही करना चाहते थे। 70 का दशक ऐसा था जहां दो हीरो वाली फिल्मों का ट्रेड चल पड़ा था। ये वो समय था जब अमिताभ शशि, अमिताभ विनोद, धर्मेंद्र अमिताभ जैसी जोड़ियां हिट हो रही थी। शत्रुघ्न की जोड़ी भी अमिताभ के साथ जोड़ी बनी। शान, काला पत्थर, नसीब, दोस्ताना जैसी कितनी हिट फिल्में साथ दी। शोले और दीवार में अमिताभ वाला किरदार पहले शत्रुघ्न को ही मिले थे, लेकिन अपनी दूसरी व्यस्तताओं के चलते उन्होंने इन फिल्मों को छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि शत्रुघ्न ने इन दोनों किरदारों को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि इनमें अंत में हीरो की मौत हो रही थी। शत्रुघ्न बताते हैं कि आज तक उन्होंने ये दोनों ही फिल्में नहीं देखी हैं। बॉलीवुड के दिनों में उन्हें पार्टियों का शौक था। शत्रुघ्न इन दिनों राजनीति में सक्रिय हैं और आए दिन अपने विरोधी बयानों से चर्चा में रहते हैं। उनका एक अंदाज जो सभी को याद रहता है वो है उनका ट्रेडमार्क डायलॉग खामोश।